इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की राजस्थान कांग्रेस के फोकस की। इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर राजस्थान कांग्रेस का पूरा फोकस है और उसकी तैयारियों के लिए कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम प्रमुख नेता एक जाजम पर नजर आए। यात्रा शांतिपूर्ण और सुगम तरह से निकले, इसको लेकर बैठक में रणनीति बनाई गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस के साथ अस्पताल रोड वॉर रूम में अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर गठित कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के साथ मंथन किया। इस बैठक में सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह, गिरिजा व्यास, डॉक्टर चंद्रभान, पीडी कल्ला, हेमाराम चौधरी, प्रताप सिंह खाचरियावास, रामलाल जाट, लालचंद कटारिया, टीकाराम जूली, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, अशोक चांदना, रामेश्वर डूडी, जुबैर खान, रफीक खान, हरीश चौधरी, मुमताज मसीह, ललित तूनवाल, राम सिंह कसवा, आरसी चौधरी, स्वर्णिम चतुर्वेदी, जसवंत गुर्जर भी शामिल हुए, जबकि राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश, पवन खेड़ा, मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर गजब का उत्साह है। आजादी के बाद ये सबसे बड़ी यात्रा है। राजस्थान में यात्रा शानदार होगी, जिसे भारत सरकार तक संदेश जाएगा। वहीं पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यात्रा को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान की यात्रा भी बहुत ही शानदार तरीके से निकलेगी। राजस्थान ने माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, कार्यकर्ता में उत्साह है। कई जगह तो यात्रा निकालने लगे लोग जिलों के अंदर। जयपुर में 5-6 यात्रा निकल चुकी है भारत जोड़ो की। यहाँ तो भारत जोड़ो सेतु बन गया है जयपुर के अंदर। तो जोधपुर से यात्रा शुरू हुई है 10-12 दिन पहले, वो जाएगी ठेठ दिल्ली तक जाएगी। तो कहने का मतलब लोगों में यात्रा का उद्देश्य है महंगाई, बेरोजगारी और देश में शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत रहे आपस के अंदर देशवासियों में, जो कि तनाव है, हिंसा है। तो राहुल जी का संदेश स्पष्ट है पूरे मुल्क के अंदर, उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए वो कारवा चल पड़ा है। ये हमारी जो 33 व्यक्तियों की जो स्टेट कमेटी थी उसकी मीटिंगें हुई है। पूरी यात्रा का किस प्रकार स्वरूप रह गए, कहाँ कहाँ से ये गुजरेगी, कहाँ कहाँ से आएगी, कैसे कैसे व्यवस्थाएं होंगी, 15 कमेटियां हैं, उनको क्या व्यवस्थाएं करनी है। परसों से हम लोग जो कमेटियों के लोग हैं प्लस मैं, हम लोग परसों से वहाँ उन जिलों के अंदर जाएंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे, ठहरने की, खाने की, होर्डिंग्स की, प्रचार प्रसार की, आप लोगों के व्यवस्था की, मीडिया के व्यवस्था की और तमाम साफ सफाई, जितने भी मुद्दे हैं उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। वहीं बैठक खत्म होने से पहले ही जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट निकल गए, क्योंकि जितेंद्र सिंह को किसी अन्य कार्यक्रम में जाना था तो पायलट को बुरहानपुर जाना था। सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान में 15 से 18 दिन भारत जोड़ो यात्रा रहेगी। राहुल गांधी के अलवर में बड़ी रैली होगी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर एक अलग ही जोश आता है। अब तक जो यात्रा का जो इफेक्ट हुआ है उससे भाजपा के अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट है और मैं समझता हूँ जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी जनता के बीच में लाखों लाखों लोगों के साथ मिलते हुए भारत की यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उससे एक अनूठा संदेश पूरे देश में गया है। देखिए बहुत बहुत जोश है लोगों के अंदर, राजस्थान की जनता के अंदर। आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई जिसके अंदर सारी तैयारियां हो रही है। इसके साथ साथ मेरे ही क्षेत्र के अंदर एक बड़ी रैली होगी, बड़ी रैली होने वाली है, लाखों लोग उस रैली के अंदर आएंगे। उसके सारे में आज चर्चा हुई, बात हुई और राजस्थान की जो संस्कृति है स्वागत सत्कार करने की, राजस्थान बहुत अच्छा यह कार्यक्रम होगा। कांग्रेस झालावाड़ से लेकर अलवर तक राहुल गांधी के हर पड़ाव को यादगार बनाने का प्रयास कर रही है। यात्रा के दौरान राजस्थानी संस्कृति की छटा और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की चमक दिखाई देगी। तो वहीं राजस्थान पहला कांग्रेस शासित राज्य है जहां राहुल गांधी की यात्रा के कदम पड़ेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।